जैसे कि मैम बताई थी क्या कि वो अपने बिजनेस के लिए शादी नहीं करेंगी, अगर उस तरह की प्रॉब्लम आई कि चाय अगर बीच में प्रॉब्लम बनती है तो मैम अगर वैसी प्रॉब्लम आती तो आप बिल्कुल डिनाई कर देंगे। तो जैसे कि अभी गुजरात आइज यहाँ पे चाय तो आ गई थी, और मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे ट्रेंडिंग में चाय चल रही है यहाँ पे, जो पान चाय है, पान चाय यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बिक रहा है। मेरे सामने अभी कम से कम 10 कप 15 कप पान चाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है, आज एक फिर नई वीडियो के साथ। कि जैसे बिहार में भी ट्रेंडिंग में चला है चाय वाला, पकौड़ा वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, उसी तरह आत्मनिर्भर चाय वाली, इसका बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हम एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं होर्डिंग, और इसका एड्रेस के बारे में, लोकेशन के बारे में बात कर दूं तो उधर से जैसे गांधी मैदान वाले रास्ता से सीधा आते हैं टोटो से या हवा हवाई से या ऑटो से, तो आप सीधा बापू सभागार के मेन गेट के जस्ट सामने आपको मिल जाएगी आत्मनिर्भर चाय वाली। आपको लोकेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अभी मैं मैम से बात करवाऊंगा कि इनका आइडिया कहाँ से आया और किस तरह ट्रेंडिंग में चल रहा है बिहार में। और यहाँ देखिए उसके बगल में ही आत्मनिर्भर लस्सी वाला भी खोल चुके हैं, दो दो ब्रांड अभी तुरंत ही, कुछ मतलब हमको लगता है एक मंथ भी नहीं हुआ होगा, और चाय भी चल रहा है और इधर लस्सी भी चल रहा है। तो अभी इसका मेन्यू पढ़ के बताते हैं क्या क्या चाय में है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आत्मनिर्भर चाय वाली एक कप चाय हो जाए, और उसके बाद यहाँ जो मेन्यू है कुल्लड़ चाय, पान चाय, मसाला चॉकलेट, फिर रोज चाय, ग्रीन टी, तंदूरी चाय, अदरक इलायची वाली, और उसके बाद आत्मनिर्भर चाय वाली, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है इधर और इधर, और फिर जो नीचे लिखा हुआ है वो चिराग क्या रोशनी करेगा, बेटियां उजाला करने के लिए नाम ही काफ़ी है। और देख सकते हैं कुल्लड़ चाय 10 रुपया, और ये स्पेशल चाय 15 रुपया, मसाला चाय 20 रुपया, ये जो प्राइस है। और यहाँ पे क्या कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी सारा चीज़ कर सकते हैं। और जैसे मैम यहाँ पे चाय बना रही हैं और बैठे भी हैं, देख सकते हैं अचानक से इतना मतलब कस्टमर की भीड़ लग चुकी है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं मैम से बात करने के लिए, तो आत्मनिर्भर चाय से, तो उनसे बात करते हैं। सबसे मैम पहले आपने अपने स्टडीज के बारे में बता दीजिए कि आप स्टडीज कहाँ से किए हैं। BCA की पढ़ाई की, तो उसके बाद आप जॉब क्यों नहीं किया? सर प्राइवेट जॉब को मैं शुरू से सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वैकेंसी नहीं आ रही है? वैकेंसी नहीं आ रही, और मैं गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड भी नहीं। जब होता है होगा, नहीं होता तो मैं बैठी थोड़ी रहूंगी बेरोजगार, मैंने अपना रोजगार शुरू करी। अच्छा, तो ये मतलब कहाँ से आइडिया मिला कि कुछ करना है हमें? सर मेरा आइडिया खुद का था, मैं सारे दीदी ने बोल रही कि मेरा खुद का आइडिया है, लेकिन कड़े जो मिला है मुझे, जो हिम्मत है वो किन से मिला? मुझे MBA चाय वाले सर। तो MBA जैसे कि बता रही है कि MBA चाय वाले प्रफुल्ल बिल्लो है, उनसे इनको इंस्पिरेशन मिला है, तो ये अच्छी बात है। और उसके बाद तो फिर पापा, ये भैया और इसका अंकल का क्या रिएक्शन था, भैया और पापा का क्या रिएक्शन था? अच्छा, भाई का क्या रिएक्शन था? ज्यादा छोटा है वो कुछ नहीं है, चलिए छोटा। तो मम्मी फिर क्या बोलती है? मम्मी तब तक ये मौसी को फिर से बताया नहीं कि मम्मी से ज्यादा कितनी बनती, जैसे मौसी माँ से बनती है उनको बोलते हैं समझाने के लिए? मैं किसी की नहीं सुन रही, सिर्फ अपने नाना की सुन रही हूं। जैसे मम्मी को समझा सकती है नाना से बात हुई थी, नाना ही जो सपोर्ट कर दिए, बाद में जब सारे लोग करने लगे तो नाना ने भी करने, तो मम्मी चुप हो गई। जैसे आप बोले थे क्या कि यहाँ पे नोटिस आया था क्या कि आपको हटाने के लिए, क्या हुआ? तो आया था सर, तो पप्पू यादव सर सपोर्ट में आके उन्होंने सारा मैटर ठीक कर, सारा मैटर ठीक कर दिया। तो जैसे नहीं, अगर आए भी, अगर इन फ्यूचर आता है तो फिर आप किसका हेल्प लेंगे? सर मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। हाँ। आते हैं तो आने दीजिए, मैं पीछे थोड़ी हटती हूँ। ओके, एक और आए हुए हैं। अच्छा, ये देखिए पहले इतना पब्लिक फेस करने का, आप कभी इस तरह पब्लिक एरिया में रहे नहीं है, तो अभी अचानक से इतना झेल लेता है, तो फिर कैसे मतलब इसको डील कर रहे थे स्टार्टिंग में, कैसे डील किया? तो अच्छा, रोड पे आई हूँ तो मुझे पता था ये सब होगा, रोड पे अब इतना मैं अपना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के ही रोड पे खड़ी हुई। अच्छा, जो बिहार की लड़कियाँ उसको क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं बोलूंगी सर, सबके पास एक अलग टैलेंट है, सबको अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। क्या उनको आगे आना चाहिए क्या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन चाय ही बेचे ये जरूरी नहीं है, मतलब कुछ भी चीज में आपको। हाँ। अगर फैशन शो लग रहा है। हाँ। या जो चीज आप में अंदर में टैलेंट है वही उसी चीज में आप टैलेंट को दिखाना चाहिए,
उसी चीज में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना टैलेंट दिखा रही हूँ, मैं अपना रोजगार कर। अच्छा, आप मैरिड है या अनमैरिड? अनमैरिड है। तो क्या मतलब इसमें नहीं लग रहा कि शादी में प्रॉब्लम आएगी कि चाय बेच रही है लड़की? सर, इस बारे में मुझे अभी कोई बात ही नहीं करना। क्या होगा नहीं होगा, बाहर में जाए, मैं शादी नहीं करूंगी और क्या। शादी नहीं करेंगे मतलब बिजनेस के, जैसे कि मैम बताई थी क्या कि वो अपने बिजनेस के लिए शादी नहीं करेंगी अगर उस तरह की प्रॉब्लम आई कि चाय अगर बीच में प्रॉब्लम बनती है तो। मैम अगर वैसी प्रॉब्लम आती तो आप बिल्कुल डिनाई कर देंगे? तो जैसे कि अभी गुजरात में हाल में ही देखे थे कि एक लड़की जो ब्राइडल बनी थी तो उसको ग्रूम पसंद नहीं था तो वो खुद से शादी की, और उसी तरह शायद मैम बोली क्या कि लेकिन अब ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि अब तो ये 21st century चल रही है तो इसमें क्या आदमी का मानसिकता बदल रही है धीरे धीरे। तो वैसा हमें नहीं लगता क्या कि वैसा कोई सिचुएशन आए? बिल्कुल सर, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगी। अच्छा, तो और क्या मतलब मैम जैसे और क्या कहना चाहते हैं, जैसे अपने व्यूअर, जैसे अपने जो आपके आते हैं क्लाइंट चाय पीने के लिए, उसको क्या कहना चाहते हैं? जैसे की यहाँ पे जो चाय बना रहे हैं और उसके बाद जो बोलता है कि ये पान मसाला चाय या चॉकलेट चाय, तो वो वाला उसके लिए क्या करते हैं, जो क्या कौन सा फ्लेवर डालते हैं? जैसे चाय जैसे बना हुआ रहता है, ठीक है जी, चाय बना हुआ रहता है तो फ्लेवर जो जैसा फ्लेवर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेवर मैं उसमें ऐड करके उसको फिर से बना। अच्छा, फ्लेवर कहाँ पे आपका रखा हुआ है? सारा फ्लेवर है, ये सारा फ्लेवर। ये तो नॉर्मल चाय पत्ती नहीं, नहीं, नॉर्मल ये बड़े वाले में। ये वाला कौन सा फ्लेवर है? ये मसाला है। ये मसाला है, ये वाला अदरक इलायची, अदरक इलायची, रोज, ये रोज, और इधर चॉकलेट होगा, चॉकलेट, और वो पान, और ये वाला रहा आपका पान वाला, तो ग्रीन टी। तो ये सारा चाय यहाँ आपको मिल जाता है या पटना से बाहर से मंगवाना पड़ता? पटना बाहर से मंगवाना पड़ता, मिलता होगा बट मैं नहीं लेती हूँ यहाँ। ओह, मतलब लोकल नहीं यूज कर रही है? मेरा कुकीज भी आप देखो, कोई भी लोकल नहीं जी। तो ये कुकीज का क्या चार्जेस है? ₹10 ईच। सारे मतलब जो भी कुकीज आपको दिख रही है सारे ₹10 की चार्जेस है। और उसके बाद जैसे चाय पूरा उसमें बना लेती है, उसके बाद चाय बनाने के बाद क्या होता है इसमें इसमें स्टोर करके फिर बेचती है, नहीं तो फिर जो फ्लेवर वाला आता है फिर इसमें कन्वर्ट करके उसके बाद फ्लेवर डालते ना जी। तो गाइज यहाँ पे चाय आ चुकी है और पान वाला पान चाय मंगा चुके हैं, और टेस्ट मतलब है कि मतलब थोड़ा सा जो पान का फ्लेवर आता है वो जैसे सेंटर फ्रूट खाते हैं ना तो उसमें सेंटर फ्रूट का जो थोड़ा सा फ्लेवर आता है ना, थोड़ा सा जो कूलिंग लगता है, उसी तरह इसमें भी चाय में है क्या कि मतलब एकदम थोड़ा सा जो दिखाए थे चाय, ये पान वाला मसाला जो इसमें पान वाला मसाला उबाल के बनाती है तो वो वाला फ्लेवर आता है हल्का सा। और ये ₹15 पीस कुल्लड़ वाली चाय। गाइस यहाँ पे चाय तो आ गई थी, और मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे ट्रेंडिंग में चाय चल रही है यहाँ पे जो पान चाय है, पान चाय यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बिक रहा है। मेरे सामने अभी कम से कम 10-15 कप पान चाय बिक्री हुई है। तो आप आइए और अवश्य पान चाय का लुत्फ़ उठाइए, और मतलब चॉकलेट चाय भी और पान चाय मतलब डिमांडिंग में है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। और तीसरा कि अदरक इलायची वाला भी चल रहा है, तो अदरक इलायची भी एकदम सीधा स्पेशली अगर आप एक कप मांगोगे तो एक कप में स्पेशली चाय बना के अलग से इलायची और अदरक डालेगी और उसमें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा तीनों का। जैसे कि हमारे साथ एक और भैया हैं जो अभी चाय पी चुके हैं। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? नायक विनोद कुमार। कहाँ से आए हैं? हम तो पटना में रहते हैं लेकिन मेरा घर हुआ वैशाली डिस्ट्रिक्ट। वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। तो चाय पिए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या दूसरे जगह से कुछ डिफरेंस था? काफ़ी डिफरेंट था। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे और कस्टमर है तो उनका भी फीडबैक लेते हैं। तो भैया आप कहाँ से? पटना से ही है। तो ये कैसा लगा चाय पीने के बाद? अच्छा कुछ लगा, क्योंकि आप लोग तो अनुभवी चाय तो पीने वाले से हैं, ये तो सीतामढ़ी से आए चाय पीने। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? दिलशाद नाम हुआ। दिलशाद कहाँ से आए? प्रॉपर तो घर सीतामढ़ी हुआ। तो अच्छा, जैसे आप तो अनुभवी चाय पीने वाले हैं, जैसे क्या कि नॉर्मल पीते रहते हैं, तो उसमें पहले वाला और अब में क्या डिफरेंस लग रहा है? टेस्ट डिफरेंट है, कुछ नया फ्लेवर थोड़ा इसमें ज्यादा है इनके पास। सिर्फ तंदूरी पिए हैं, कुल्लर पिए हैं, कुछ फ्लेवर इनके पास ऐड ऑन है, इसीलिए थोड़ा टेस्ट डिफरेंट है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऊपर से क्या इस तरह जो भी अगर मतलब लड़कियां आती हैं इस फील्ड में काम करने के लिए तो उसको सपोर्ट करो, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप
शेयर करते तो उतना ही ज़्यादा होगा कि महिलाओं को सपोर्ट कर रहे, लड़कियों को सपोर्ट कर रहे आप अपने वीडियो के माध्यम, मेरे वीडियो के माध्यम से। और देखिए एक मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ के आई है इस फील्ड में, तो प्लीज़ इसको जितना से ज़्यादा हो उतना सपोर्ट करिए।